नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। ईरान के इस पड़ोसी देश में कोरोना वायरस शब्द बोलने लिखने पर प्रतिबंध। तुर्कमेनिस्तान ने अपने यहाँ कोरोना वायरस शब्द के इस्तेमाल पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल इस वैश्विक महामारी से बुरी तरह पीड़ित ईरान के पड़ोस में मौजूद होने के बावजूद तुर्कमेनिस्तान में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इंडिपेंडेंट न्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान में कोरोना वायरस शब्द को लिखने के लिए इस्तेमाल करने पर और इस बारे में कुछ भी बात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां की सरकार ने पुलिस को इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है। वही मीडिया राइट्स ग्रुप रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया डेस्क के प्रमुख जैनिक एलिवेर का कहना है कि तुर्कमेनिस्तान में लोग मास्क लगाकर सार्वजनिक स्थान में निकलने पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान में अचानक दुल्हन फेस मास्क का नया चलन। कोरोना की दहशत के बीच पाकिस्तान में दुल्हन फेस मास्क की मांग बढ़ गई है। दुल्हन के जोड़े तैयार करने वाले दर्जियों से खूबसूरत और कढ़ाई के काम वाले मास्क बनवाने का काम कराया जा रहा है। पाकिस्तान में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से शादियों जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाने के साथ ही एहतियात के लिए फेस मास्क पहनने का निर्देश दिए हैं। मगर अब कोरोना की गंभीरता से लापरवाह पाकिस्तान में अचानक दुल्हन फेस मास्क का नया चलन शुरू हो गया है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कई सूबों में शादियों आदि आयोजनों पर रोक लगाए जाने के बाद दुल्हन फेस मास्क की मांग अचानक बढ़ गई है। ऐसे में दुल्हन के जोड़े तैयार करने वाले दर्जियों से खूबसूरत और कढ़ाई के काम वाले मास्क बनाने का काम कराया जा रहा है। दुल्हों के मुकाबले दुल्हनों के लिए फेस मास्क ज्यादा तैयार करवाया जा रहा है। वहीं फैशन हाउस भी अपनी कमाई को बढ़ाने की गरज से दुल्हन के कपड़ों के मैचिंग के फेस मास्क बनाकर दे रहे हैं। महज 2 रुपए में यहाँ मिल रहा है कोरोना से बचने का मास्क। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत से हर कोई कांप रहा है। इसी वजह से बाजार से मास्क और सैनिटाइजर गायब हो चुके हैं और जहां मिल रहे हैं वहां इनकी कीमतें आसमान पर है। लेकिन मास्क से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है। वैसे तो ये खबर केरल में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल यहाँ 2 रुपए में मिल रहा है कोरोना से बचने का मास्क। मास्क केमिस्ट और फार्मासिस्ट जहां कोरोना के मास्क को बेचकर मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वहीं केरल के एक सर्जिकल स्टोर ने यह फैसला किया है कि वह मास्क की ओरिजिनल कीमत पर ही बेचेगा। 2 रुपए के दाम पर इस स्टोर ने 2 दिनों में 5,000 मास्क बेचे हैं। वहीं अन्य लोग इसे 25 रुपए के दाम पर बेच रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जनता घरों में लेकिन सड़कों पर घूम रहे गजराज। लॉकडाउन की वजह से जनता घरों में है लेकिन गजराज मचमच सड़कों पर घूम रहे हैं। हरिद्वार में सुबह 3 बजे हरकी पौड़ी पर एक हाथी पहुंच गया। लोगों की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया गया है कि जंगल से होते हुए पूरा शहर घूमने के बाद उक्त हाथी मनसा देवी मंदिर के पास से रेलवे ट्रैक होते हुए वापस जंगल चला गया। लॉकडाउन में बढ़े मियां बीबी के झगड़े। कंट्रोल रूम तक हर रोज पहुंच रही 30 से ज्यादा शिकायतें। कोरोना के जंग के चल रहे लॉकडाउन में मियां बीबी के झगड़े भी बढ़ गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम तक हर रोज 30 से ज्यादा मामले इस प्रकार के पहुंच रहे हैं। कुछ मामलों में तो खुद बच्चों ने मम्मी पापा के झगड़े की सूचना पुलिस को दी है। झांसी की एक कॉलोनी में तो महिला अपने पति से झगड़ कर घर से बाहर आ गई थी, जिसे पुलिस ने समझा बुझा कर वापस घर भेजा। शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। कंट्रोल रूम प्रशासन का कहना है कि पति पत्नी के झगड़ों की शिकायतें बढ़ी है, कई बार तो रात को भी पुलिस भेजनी पड़ती है। SP देहात राहुल मिठास ने बताया कि किसी भी दंपत्ति के बीच विवाद की जड़ कोई बड़ी बात नहीं थी। एक में युवक का कहना था कि उसकी पत्नी सारा दिन अपनी माँ से बात करती रहती है, उसके लिए वक्त ही नहीं रहता। जबकि एक मामले में कहना था कि पत्नी उसकी पसंद का खाना नहीं बनाती। रामनवमी पर मास्क में दिखे कन्याएं। कन्या पूजन के दौरान हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन।
कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण रामनवमी के मौके पर घरों में कन्या पूजन नहीं हुआ। लोगों ने घर पर ही पूजा की। व्रती महिलाओं ने व्रत खोला। रामनवमी के मौके पर जरूरतमंद बच्चियों को राशन बांटा गया। कन्याओं को जिमाने के बजाय उन्हें घर पर जाकर ही भेंट दी गई। पकी हुई खाद्य सामग्री देने से लोगों ने परहेज किया। इस दौरान कन्या मास्क पहनकर पूजा में पहुंची। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर कन्या जिमाई गई। सैनिटाइजर मास्क न मिलने पर एम्बुलेंस कर्मियों ने की थी हड़ताल। बांटा गया कपूर, चालकों ने किया विरोध। कन्नौज में कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य महकमे के पास अभी भी पूरे इंतजाम नहीं है। एम्बुलेंस चालकों और ईएमटी को कपूर बांट दिया गया। इसका चालकों ने विरोध किया है। मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए जिले में 51 एम्बुलेंस है। इनके संचालन के लिए 204 चालक और ईएमटी हैं। यह कर्मचारी सैनिटाइजर मास्क और सुरक्षा ड्रेस की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को एम्बुलेंस सेवा के नोडल अधिकारी सूर्यभान सिंह ने कर्मचारियों को सैनिटाइजर की जगह कपूर बांट दिया था। नोडल अधिकारी ने बताया कि कपूर पास रखने से संक्रमण नहीं फैलता है। इसका चालकों और ईएमटी ने विरोध किया। सीएमओ डॉक्टर कृष्ण स्वरूप ने बताया कि एम्बुलेंस चालकों को सैनिटाइजर मास्क दिए गए हैं। कपूर देने की जांच की जाएगी। लॉकडाउन में मैं फंस गया हूं, बस एक ही सहारा है। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया आम जन की मदद से लेकर समस्याओं के समाधान में भी अहम भूमिका निभा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अमले से लेकर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खासे सक्रिय हैं। मुसीबत में फंसे लोगों के ट्वीट, पोस्ट या मैसेज के आधार पर सभी जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने अपने स्तर पर तत्काल सक्रिय हो जाते हैं। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि यदि सोशल मीडिया न होता तो शायद लोगों की मदद करने में खासी दिक्कतें आती। इसके साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स यह भी अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग अफवाह फैलाने के लिए या गलत जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए ही किया जाए। बस्ती गाजीपुर में सामने आया नया मामला। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रहने वाले 21 वर्षीय व्यक्ति को गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाया गया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के आइसोलेशन वार्ड के प्रभारी डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि युवक को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बुधवार को बस्ती जिले के एक अन्य व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं गाजीपुर में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। इसी के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 119 हो गई है। वहीं प्रशासन अभी भी कई इलाकों में छिप कर रह रहे विदेशियों को खोजने में जुटा हुआ है। आगरा में सबे बारात पर नहीं होंगे जलसे, उलेमाओं की अपील, घरों में करें इबादत। लॉकडाउन को देखते हुए आगरा में 8 अप्रैल को सबे बारात के मौके पर होने वाले जलसों का आयोजन नहीं होगा। पचकुया कब्रिस्तान में परंपरागत कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। वहीं शाही वक्त पचकुया कब्रिस्तान कमेटी के सचिव जहीरुद्दीन बाबर ने बताया कि यहां होने वाले जलसे में देश भर से इस्लामिक विद्वान शिरकत करने पहुंचते हैं। इन दिनों देश में लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों को घर में रहकर ही इबादत करनी चाहिए। एकांत में इबादत करेंगे तो बेहतर होगा। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में सोशल साइट पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना दो लोगों को भारी पड़ गया। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। एक संस्था के दो लोगों के खिलाफ रायपुरा थाना में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सतर्क रहें, क्योंकि बिना सर्दी जुखाम के लक्षण के भी हो सकता है कोरोना। बिना सर्दी जुखाम के लक्षण के भी किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस हो सकता है। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है तो वह करीब 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। हालांकि इस दौरान पीड़ितों से दूसरे में वायरस जाने का खतरा रहता है। लखनऊ में पाए गए कोरोना के पॉजिटिव मरीजों में से 2 मरीज ऐसे हैं जिनमें किसी तरह का लक्षण नहीं था। एहतियातन जब इनकी जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना से लड़ने के लिए अध्यात्म का सहारा, अयोध्या में 51 दिवसीय यज्ञ का अनुष्ठान। तो वहीं लॉकडाउन के चलते नहीं निकली कानपुर की सबसे बड़ी शोभा यात्रा। कानपुर में रामनवमी पर सबसे बड़ी शोभा यात्रा रावतपुर स्थित रामलला मंदिर से निकाली जाती है। इस बार कोरोना वायरस के चलते ये शोभा यात्रा स्थगित कर दी गई है। इसके स्थान पर मंदिर में पुजारियों द्वारा पूजन किया गया, साथ ही भक्तों ने घरों में ही घंटा मृदंग बजाकर उत्सव मनाया। बीड़ी सिगरेट और शराब के सेवन से कोरोना संक्रमण का खतरा, आज ही कर लें इनसे तौबा। शराब लेने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, यह सोचकर पीने की गलती कतई न करें। चिकित्सकों का कहना है कि इस परिस्थिति में शराब और बीड़ी सिगरेट को हाथ भी न लगाएं।
इससे प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। इसके सेवन के वक्त हाथों का संपर्क नाक मुंह तक ज्यादा होगा, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर बताते हैं कि अल्कोहल और बीड़ी सिगरेट समेत नशे की अन्य सामग्रियों के उपयोग से शरीर के एंटीबॉडीज के प्रभावित होने से शरीर में रोगों के लड़ने और स्वतः इलाज की प्राकृतिक प्रक्रिया कमजोर होने लगती है। वक्ष एवं क्षय रोग विभाग के चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर जीवी सिंह बताते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें स्पष्ट तौर पर धूम्रपान और अल्कोहल बंद करने को कहा गया है। लॉकडाउन के बीच अवैध वसूली को लेकर बागपत में चौकी इंचार्ज समेत 5 पर कार्रवाई, सिपाही निलंबित। सहारनपुर में 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बीच तमाम दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं तो कुछ पुलिसकर्मी अपनी जेब भरने का काम भी कर रहे हैं। बागपत जिले में चौकी डूंडाहेड़ी पर अवैध वसूली की शिकायत पर 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज सहित 2 उपनिरीक्षक व 1 हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि 2 सिपाहियों को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया है। वहीं सहारनपुर के बुढ़ाखेड़ा में 2 पुलिसकर्मियों को अवैध वसूली की शिकायत पर लाइन हाजिर किया गया है। SP प्रताप गोपेंद्र यादव ने बताया कि थाना खेकड़ा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी डूंडाहेड़ा पर स्थापित किए गए बैरियर पर आने जाने वाले 2-पहिया व 4-पहिया वाहनों से पुलिसकर्मियों द्वारा रुपए वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मनरेगा मजदूरों सहित यूपी के 83 लाख लोगों के खाते में सीधे पैसे भेजेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के गरीबों, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों व असक्तों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खजाना खोल दिया है। इन सभी के खातों में प्रदेश सरकार 850 करोड़ रुपए भेजेगी। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों के लिए भी अब तक की सबसे बड़ी रकम की घोषणा की गई है। मनरेगा मजदूरों को एक दिन में 611 करोड़ रुपए के भुगतान की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में 83 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर अफसरों संग बैठक करते हुए ये फैसला लिया। वह लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे। तबलीगी जमात से लौटे 28 लोगों ने बढ़ाई आगरा की चिंता, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार। दिल्ली में तबलीगी जमात से लौटकर आने के बाद आगरा की मस्जिदों में ठहरे 28 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्वारंटीन किया है। इन सभी के नमूने जांच को भेजे गए हैं, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। इनके परिवार वाले चिंतित हैं, वो दुआ कर रहे हैं कि सबके सैंपल नेगेटिव ही आए। बुधवार को जिन मस्जिदों में जमात के लोग ठहरे थे, वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सैनिटाइजेशन किया है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 30 अप्रैल तक जमा किए जा सकेंगे बिजली के बिल। लॉकडाउन को देखते हुए पावर कॉर्पोरेशन ने 1 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बने या बनने वाले बिजली के बिलों के भुगतान की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि कोरोना प्रकोप की वजह से बहुत से उपभोक्ता मार्च में बने बिल जमा नहीं कर सके हैं। जांच रिपोर्ट में नहीं हुई कोरोना की पुष्टि, गांव पहुंचते ही लोगों ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बुधवार तक दहशत में जीवन गुजार रहे गांव के लोगों के लिए बृहस्पतिवार की सुबह खुशियों की सौगात लेकर आई। गांव का एक व्यक्ति दुबई से लौटा था। बृहस्पतिवार की सुबह जांच रिपोर्ट में संक्रमण होने की पुष्टि नहीं हुई तो गाँव वालों ने युवक का स्वागत किया। डॉक्टर समेत गाँव के लोगों ने खुशी जाहिर की। लॉकडाउन में मंदिरों के पट बंद, भक्तों ने ऑनलाइन किया भगवान के दर्शन, घरों में हुई पूजा। रामनवमी पर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में लॉकडाउन के कारण प्रमुख मंदिरों के पट बंद हैं। ऐसे में भक्तों ने भगवान के दर्शन ऑनलाइन किए। कुछ मंदिरों ने रामनवमी पूजन का लाइव प्रसारण भी किया। इसके बाद लोगों ने घरों में विधि विधान के साथ भगवान की आराधना की। देहात क्षेत्रों में कन्याओं को भोजन कराया गया। शहर के भगवान श्री दीर्घ विष्णु मंदिर के सेवायतों ने भगवान का महापंचामृत अभिषेक बृहस्पतिवार प्रातः 8 बजे किया। इसका सीधा प्रसारण फेसबुक एवं यूट्यूब पर किया गया। मंदिर के सेवायत महंत कांतानाथ चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भक्तों से घर पर ही रहने की अपील की है। एम्बुलेंस के सहारे अलीगढ़ से मुरादाबाद भेजे जा रहे थे 19 बच्चे, सिपाही की नजर पड़ने पर हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के चंदौसी तहसील में बुधवार रात कन्नौर पुलिस ने 19 बच्चों को ले जाते हुए एक एम्बुलेंस को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर एम्बुलेंस चालक ने अतरौली के CEO और SDM पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उसे भेजा है। चालक के मुताबिक बच्चे अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के बैजार गांव के मदरसे में पढ़ते हैं और उन्हें वहाँ से मुरादाबाद के मिर्जापुर गाँव भेजा जा रहा था।
पुलिस ने पूछताछ कर बच्चों को उसी एम्बुलेंस से वापस अलीगढ़ भेज दिया है और उन्हें लेने के लिए आए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मालूम हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों की सीमाएं सील कर दी गई है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों को भी किसी सीमा के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। कोरोना का खौफ ऐसा कि बेटी ने बुजुर्ग माँ बाप को घर से ही निकाल दिया। कोरोना का ऐसा खौफ है कि अब बाहर से आने वाले रिश्तेदार, यहाँ तक कि माता पिता भी शक की निगाहों से देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक दुखद मामला औरैया जिले से सामने आया है, जिसमें एक बेटी ने अपने बुजुर्ग माता पिता, भाई और भाभी को वापस दिल्ली स्थित अपने घर जाने के लिए कह दिया। लॉकडाउन के कारण बुजुर्ग दर दर भटकते रहे, आखिरकार मंधना स्थित एक घर में उन्हें आसरा मिला। मूल रूप से कानपुर के चौबीपुर में रहने वाले 65 वर्षीय राजेंद्र यहाँ की संपत्ति बेचकर लंबे समय से परिवार समेत दिल्ली के बदरपुर इलाके में किराए पर रह रहे हैं। बेटा जितेन डीटीसी बस में संविदा पर चालक है। जितेन ने बताया कि गत 5 मार्च को वह पिता माता विसाखी, पत्नी अंजलि और भांजे के साथ औरैया में रहने वाली अपनी बहन दीपमाला के घर गया था। इस बीच लॉकडाउन हो गया। सोमवार को बहन दीपमाला ने भी कोरोना के भय के कारण सभी से जाने को कह दिया। गोरखपुर के विकास पर कोरोना का ब्रेक। पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुके कोरोना वायरस ने न केवल आम जनजीवन को ठप कर दिया है, बल्कि शहर के विकास की गति पर भी ब्रेक लगा दिया है। कालेसर से जंगल कौड़िया 4 लेन का निर्माण भी ठप है। इस 4 लेन का लोकार्पण 31 मार्च को ही होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया 4 लेन का निर्माण भी रुक गया है। जो फंड विकास की गति को देने में लगनी थी, वह इस महामारी से निपटने में लगी जा रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, बेवजह घर से निकले तो मिलेगी ऐसी सजा। लॉकडाउन के दौरान देश भर में पुलिस जहां जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है, तो वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्ती भी कर रही है। अभी भी कुछ लोग अपने घरों में रहने के बजाय सड़क पर बेवजह घूमने निकल जा रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए लोग बाजारों में सामान की खरीदारी करने के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन में बिना काम के निकले लोगों को देवरिया बाईपास पर पुलिस ने कुछ इस तरीके से बैठा दिया। आगरा के 2.25 लाख कामगारों के सामने रोजी रोटी पर संकट। लॉकडाउन में आगरा की सभी फैक्ट्रियां, प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल, स्मारक, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद पड़े हैं। 21 दिनों के लॉकडाउन में जिले के 2.25 लाख दैनिक कामगारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले फुटवेयर और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। जो कामगार रोल पर हैं, उन्हें तो वेतन देने का आदेश है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस और दिहाड़ी मजदूरों की मुश्किलें ज्यादा है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।